उन्होंने मुझे देखा, उसको देवलोक में डाल दो। मुझे लगा कि वो अपने दोस्तों को बताएंगे और वो सब भी आ जाएंगे। फिर सुबह 3:30 बजे मैं उठकर बाहर गया, फिर मैंने देवलोक देखा। मुझे आपको देवलोक जाने का अपना अनुभव बताना चाहिए। ये शायद 1985 या 86 था, मुझे ठीक से याद नहीं है, इन दोनों में से एक। तो मैं हिमालय गया और मैं अकेला हूं, मैं ट्रैक कर रहा हूं। मेरे पास कोई ऊनी कपड़े नहीं है क्योंकि मैं दक्षिण भारत में रहता हूं, और मेरे पास सिर्फ टी शर्ट्स हैं, थोड़ी मोटी वाली, और मेरे पास एक कैनवस जैकेट है। कैनवस जैकेट दक्षिण में अच्छा काम करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश होती है। तो मैं हमेशा कैनवस जैकेट में रहता हूँ क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर चल रहा हूँ। अगर बारिश होती है, मैंने कभी खराब मौसम को ये इजाज़त नहीं दी कि वो मुझे वो करने से रोक सके जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो जो भी हो, चाहे मैं खेल रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ या यात्रा कर रहा हूँ। मैंने कभी खराब मौसम को अपने काम में दखल देने की इजाज़त नहीं दी। तो भले ही वो मानसून की मूसलाधार बारिश हो, मैं बाइक चलाते रहता था। तो एक कैनवस जैकेट हमेशा मेरे पास होती थी। बैंगलोर के लोगों को पता होगा, फ्लाइंग मशीन की जैकेट। लेकिन जब आप हिमालय जाते हैं, जब मौसम ठंडा हो जाता है, तब कैनवस साधारण कपड़ों से भी ठंडा हो जाता है। दरअसल सूती कपड़े बेहतर होंगे, कैनवस इतना ठंडा हो जाता है। तो मैं इस जैकेट को पहन ही नहीं सकता। पहली बार मुझे पता चला कि कैनवस जैकेट काम नहीं करता ऊंचाई पर। पूरे दक्षिण भारत में उसने मेरा अच्छा साथ दिया। अधिक से अधिक मैं ऊटी और कोडैकनाल की ऊंचाई तक गया था, वहां वो मेरा अच्छा बचाव करती थी। लेकिन मैं वहां गया और मैं इस कैनवस जैकेट को नहीं पहन पा रहा था, तो मुझे उसे उतार कर टी शर्ट में चलना पड़ा, जब तापमान 0 से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे था। फिर उन दिनों भूख हड़ताल बसें चलती थी। इन बसों को भूख हड़ताल कहते थे क्योंकि वो खाने के लिए भी नहीं रुकती थी। सुबह 3:30 बजे वो हरिद्वार से चलती थी, वो छोटी चैजी वाली पुरानी टाटा बसें थी। सड़कें वैसी नहीं थीं जैसी वो आज हैं, हिमालय की सड़कें शानदार थीं। मेरे अनुभव में वो शानदार थी क्योंकि लगभग हर कोने पर ऐसा लगता था कि बस गिरने वाली है, और मैं हमेशा जाकर बस के ऊपर बैठता था। लगभग हर साल हरिद्वार से मैं जहां भी जाता था, गोमुख, केदार, बद्री, मैं बस के ऊपर सफर करता था, और मैं हिमालय की सड़क पर हर मोड़ को जानता हूँ। करीब 5 साल पहले जब मैं गाड़ी चला रहा था, जो लोग मेरे साथ गाड़ी चला रहे थे वो डर गए, क्योंकि मैं हिमालय की सड़कों पर 130-140 की रफ्तार पर चल रहा था, क्योंकि मैं हर मोड़ को जानता हूँ, हर चट्टान, हर कोने को जानता हूँ। वो मेरे दिमाग में वीडियो की तरह है। अगर मैं बस उसे चला दूं, ऐसा लगता है कि मैं हर समय सड़क के अगले 2 मोड़ों को देख रहा हूँ। बस के ऊपर बैठकर हिमालय को पीने के वो पल, आज भी मेरे पास पूरे 12-14 घंटे के सफर की सड़क का एकदम वैसे का वैसा वीडियो है। अब टिहरी बांध ने उसे बदल दिया है। मैं उस जगह थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि बांध के रास्ते को बदल दिया है, वरना मैं अगर वीडियो ऑन कर दूं तो वो आज भी मेरे लिए चलता रहता है। तो मैं बस के ऊपर बैठा और वहां पहुंचा। उस दिन बस आधे रास्ते में बस खराब हो गई और वहाँ थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रखी थी। हम देर से बद्री पहुंचे। हमें 6 बजे या 6:30 बजे गेट पार करना था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, और फिर ड्राइवर ने किसी तरह गिड़गिड़ाकर गेट खुलवाया और हम शाम के करीब 8:30 बजे वहां पहुंचे। हल्की बारिश हो रही थी, ठंड थी। मैं अपनी कैनवस जैकेट नहीं पहन सकता था, तो मैं अपनी टी शर्ट में हूँ। मेरी सारी मांसपेशियां अकड़ गई हैं, लेकिन मैं जवान हूँ, उसके जैसी कोई चीज नहीं है। तो मैं यहां वहां गया और मैं ठहरने के लिए जगह की तलाश कर रहा हूं। मैं बहुत सस्ते में यात्रा करने वाला आदमी हूं।
आमतौर पर मैं जहाँ कहीं भी गया, नई दिल्ली में मैं हमेशा बस स्टेशन में सोया, ISBT, मैंने उस स्टेशन में कई रातें बिताई हैं। हरिद्वार में मैं बस स्टेशन पर सोया, ऋषिकेश में मैं हमेशा गंगा के किनारे सोया, सिर्फ ऊपर जाकर जब ठंड बढ़ जाती है, उत्तरकाशी में मैं हमेशा बाहर सोया, जब मैं और ऊपर ठंड में जाता था सिर्फ तभी मुझे किसी जगह की ज़रूरत पड़ती थी। फिर मैं अपना सिर टिकाने के लिए कहीं एक सस्ता ठिकाना ढूंढ रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मुझे खाने के लिए थोड़ा खाना मिल गया, उत्तर भारत में ये एक चीज़ है, आपको रोटी मिलेगी और आलू 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 चार अलग अलग किस्में। बीस पच्चीस दिन की यात्रा में सिर्फ आलू आपके दिमाग में लटकता रहता है। दक्षिण भारतीय होने के नाते आप आतुर होकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा चावल और रसम मिल जाए जिसे आप सुड़क सकें, जो भोजन जैसा लगता है। तो मैंने आलू आलू खाया। आलू ट्रीटमेंट के बाद मैं एक जगह खोज रहा हूँ, कहीं जगह नहीं है। बताया गया कि हर होटल फुल है, उस समय इतने सारे नहीं थे, बस एक दो, वो सब भरे हुए थे। फिर मैं एक आश्रम में गया, मुझे उस आश्रम का नाम याद नहीं। खैर, मैंने अंदर जाकर कहा मुझे स्वामी जी से मिलना है, जो भी वहां हो। काफी किचकिच के बाद वो मुझे अंदर ले गए। मेरी आंखों को वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। अब मेरी आंखें ज्यादा काम से थकी लगती हैं और वैसी नहीं हैं। मेरी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन मेरी आंखें ऐसी थीं जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। तो वो मुझे अंदर ले गए। फिर मैं वहां गया, दो वाकई अच्छे बड़े स्वामी, पूरे नारंगी कपड़े, लंबी दाढ़ी। उन्होंने ऐसा किया, मैंने जाकर कहा मैं दक्षिण से आया हूं और मेरे पास लेटने की जगह नहीं है और मैं पूरा भीगा हुआ हूं, मेरी टी शर्ट गीली है, मैं इसे बदल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे सामान में सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, मुझे लेटने के लिए एक जगह चाहिए। उन्होंने मुझे देखा, तुम क्या करते हो, ये वो। मैंने कहा मुझे जो पता है मैंने उसे सिखाना शुरू किया है। उसको देवलोक में डाल डाल। और मैंने सोचा, अरे वाह, क्या किस्मत है मेरी, वो मुझे देवलोक में डालने वाले हैं। देवलोक में डाल दो। सारी कहानियां जो आपने देवलोक के बारे में सुनी हैं, मैं गया, वो मुझे एक बिल्डिंग के अंदर ले गए, ऐसे ऐसे गली के अंदर गली। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिया, सारा कमरा बिस्तरों से भरा था, वहां कोई नहीं था। तो मैंने जाकर कहा धन्यवाद और अपना बैग नीचे रख दिया, मैं बस लेटना चाहता था। मैं बिस्तर पर लेटा, बिस्तर में ढेर सारा पानी सारा बाहर आ गया। मैं बोला, हे भगवान, अच्छा ये बिस्तर गीला है, मैं उस बिस्तर पर लेटा वो भी गीला है, ये बिस्तर ये भी गीला है, लेकिन इतने पानी के बावजूद वो खटमलों को नहीं डुबो पाया। जब मैं लेटूं तो वो मुझे यहां काट रहे हैं, वहां काट रहे हैं, और मैं लुढ़कता रहा। मेरे ख्याल से वहां 8 बिस्तर थे, मैं रात भर 8 बिस्तरों पर लुढ़कता रहा, बस ये पक्का करने के लिए कि सभी खटमलों को बराबर खून मिले। मैं कम से कम एक बिस्तर में रह सकता था, एक बार पेट भरने के बाद शायद वो भी सो जाते, लेकिन मुझे लगा कि वो अपने दोस्तों को बताएंगे और वो सब भी आ जाएंगे। मैं बस उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता था, यहां लेटकर, वहां लेटकर, वहां लेटकर। फिर मैं सुबह 3:30 के बाद सो नहीं पाया। खटमलों का ट्रीटमेंट और ठंडा बिस्तर, पानीदार बिस्तर, ठंडा नहीं, गीला, नम नहीं, पूरी तरह से,
यूं कि अगर आप उस पर लेटेंगे तो आपके कपड़े तरबतर हो जाएंगे, आपके अंडरवियर समेत सब कुछ उस ठंड में गीले हो गए। तो फिर सुबह 3:30 बजे मैं उठा और बाहर गया। फिर मैंने देवलोक देखा। मैं बिल्कुल सोया नहीं था और मैंने सोचा कि मैं बस थोड़ी चाय पीऊंगा। मैं बेपरवाही से बस यूं ही टहल रहा था। फिर मैंने ऊपर देखा, पूरी घाटी में घुप अंधेरा है। सिर्फ पहाड़ की चोटी सफेद और सुनहरी थी। सूरज कहीं और से उसे प्रकाशित कर रहा था। मेरे आंसू निकल पड़े। फिर मैं जान गया कि मैं देवलोक में था। नहीं, ये हमारा लोक है जो इतना सुंदर है कि आपको देवलोक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देवलोक का मेरा अनुभव था।